हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मारुति। तो देखिए, ये शेयर आपका आज के डे पे क्लोज हुआ है 8599.45 पे। ओके, एंड आज के डे पे ये शेयर आपका हाई गया था 8789.10 एंड लो गया था 8436.05। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है बहुत ही बड़ा, एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है ₹2,59,772.24 करोड़ एंड एंटरप्राइज वैल्यू है आपका ₹2,57,224.64 करोड़। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेट है ₹488.80 करोड़ का, मतलब डेप देखिए, इसका जो कंपनी का जो आपका मार्केट कैपिटल है वो इतना बड़ा है, उसके सामने जो डेप थे बहुत ही कम है। तो इसका जो डेप इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.01, मतलब लगभग ना के बराबर। और हम लोग ये जानते हैं क्लियरली, अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी कंपनी का अगर डेप इक्विटी रेशियो 1:1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, एंड यहाँ पे 1 से तो बहुत ही कम है, मतलब लगभग ना के बराबर। उसके ऊपर कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹3,036.40 करोड़, मतलब क्या कंपनी के पास इवन सफिशिएंट से भी ज्यादा कैश है। कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 488.80 करोड़ का डेट थे इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.26। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1:1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहां पर 1 से ज्यादा ही है। इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पार्ट से आ रहे ₹102, रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.48% एंड आरओसी आपका है 10.48%। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 56.37%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 56.37% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो फंडामेंटली एक अच्छा कंपनी है, इसीलिए आपका फिनस्टार ने इसको 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे जाके इसका थोड़ा सा चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे। तो अभी देखिए, बैंक स्क्रीन पे इस शेयर का बिना इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये रेड वाला लाइन, ये इसका एक सपोर्ट लाइन है। जब भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, फिर नीचे गिरा, उसी लाइन पर सपोर्ट लेते हुए फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखिए उसी लाइन पर सपोर्ट लेते हुए फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखिए उसी लाइन पर सपोर्ट लेते हुए ये शेयर अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड इसका जो लास्ट हायर हाई था इसको भी देखिए, ये शेयर ऑलरेडी तोड़ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी तोड़ चुका है इस कैंडल में। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए, मतलब इंडिकेटर इसके इस शेयर के बारे में क्या इंडिकेशन दे रहा है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चले जाएंगे। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे ये आपका था 22 दिसंबर के दिन, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा गिरा, इस जगह से देखिए ये शेयर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, फिर देखिए ये आपका डेट था 21 जनवरी 2022 का डेट था, यहाँ पे और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया, तब से देखिए शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। एंड इस कैंडल ने क्या किया, इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था जिसको मैंने यहाँ पे देखिए ये लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस लाइन, इसको भी तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर क्लोज किया। एंड उसके बाद इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। लेकिन उसके बाद देखिए थोड़ा दिन ए शेयर आपका गिरता हुआ दिखा, लेकिन जितना भी ए शेयर गिरा, ये जो रेसिस्टेंट लाइन है इस रेसिस्टेंट लाइन को तोड़ नहीं सका, और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी आपका फिर से ऊपर की तरफ भाग रहा है। और आज के डे पे मतलब डेली चार्ट के हिसाब से ए शेयर आपका 50 डेज
100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। RSI भी अबव 60 और MACD एक न्यूट्रल जोन पे है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्लियरली एक अपट्रेंड ही दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का बिना इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2020 मार्च के महीने में इस शेयर का प्राइस चल रहा था ओनली 4,100 इस रेंज में, और अभी कितना चल रहा है, अभी आपका चल रहा है 8,600 लगभग। मतलब आपका एक साल 11 महीने के अंदर इस शेयर ने डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जो आपका वीकली चार्ट के हिसाब से इस शेयर का एक सपोर्ट लेवल है। जब भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है, फिर देखिए नीचे गिरा, इस लाइन के नजदीक आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन के नजदीक आया, देखिए फिर ऊपर गया, फिर देखिए इस लाइन के नजदीक आया, आने के बाद देखिए फिर से अभी ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। और एक चीज देखिए, अभी ये शेयर इसका जो लास्ट हायर हाई था, ये जो लेवल था, उसको भी तोड़ दिया है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंडिकेटर हम लोगों को वीकली चार्ट में क्या इंडिकेशन दे रहा है वो जानने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने वीकली चार्ट भी इंडिकेटर लगा हुआ ओपन कर लिया। ये आपका जनवरी 2022 का पहला वीक था। देखिए यहाँ पे एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, एंड उसी कैंडल में सुपर टेन में बाई सिग्नल भी दिया था, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड ये शेयर अभी क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक येलो लाइन ड्रॉ किया, जो आपका वीकली चार्ट के हिसाब से इस शेयर का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन था, जिसको तोड़ के ऊपर क्लोज कर चुका है। एंड इस वीक में भी देखिए हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर अभी 50 डेज, 200 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। RSI भी यहाँ पे क्लियरली अबव 60 और MACD भी यहाँ पे क्लियरली 0 पॉइंट से ऊपर है, एंड लगातार पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वीकली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को इंडिकेटर जो है वो आपका बुलिश साइन ही इंडिकेट कर रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया है। तो देखिए पिछले महीने यहाँ पे एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया था, ठीक है। और आज के डेट में ये शेयर आपका इसका पिछले महीने का जो मंथली चार्ट का जो कैंडल था, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था, उसके नजदीक ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। एंड मंथली चार्ट के हिसाब से ये शेयर अभी आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 8,600, अगर इसी रेंज में इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का है, तो मुझे जो लगता है कि 4 से 5 ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर ये शेयर आपका 9,300 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटल कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।